दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। अनु की पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। मैं बहुत ही अलग अलग टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड करती हूँ। अभी लास्ट वीडियो में मैंने साइंस से रिलेटेड आप लोगों को शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। अभी भी मैं आप लोगों के सामने एक साइंस का टॉपिक लेके आई हूँ, शॉर्ट वीडियो है, तो वीडियो को मिड तक एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी अपडेट मिस ना हो। और प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक ज़रूर कीजिए, वहाँ पे भी मैं अपने सारे सोशल प्लेटफॉर्म के लिंक और नेम आप लोगों को मेंशन कर देती हूँ ताकि आप लोग उन्हें ज्वाइन कर सकें और आपको और इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ। सो आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को कंपाउंड बताऊँगी और उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है वो बताऊँगी। ये वीडियो जो है वो आगे चलती जाएगी और भी आप लोगों को मैं और कंपाउंड्स के बारे में बताऊँगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला जो होता है वो CO2 होता है। C मीन्स कार्बन, O2 मीन्स ऑक्सीजन, ठीक है। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन गैस, तो जो CO2 होती है वो गैस होती है और गैस में हमेशा जो ऑक्सीजन होता है वो 2 होता है, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऑक्साइड है, आप देखेंगे यहाँ पे MgO है, Mg मीन्स मैग्नीशियम का साइन है, सिंबल है, और O जो है वो ऑक्साइड है। ऑक्साइड जो है वो गैस नहीं है, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आया है। इसलिए मैंने आपको ऊपर वाले कंपाउंड में बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस होती है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हमारा 2 आया है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम का सिंबल होता है Na, क्या होता है Na, और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। तो ये कंपाउंड जब मिक्स हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्या बन जाएगा NaCl, ओके। Na इज सोडियम एंड Cl इज क्लोराइड। अगर आप लोगों को अलग अलग कंपाउंड भी चाहिए अलग अलग सिंबल्स के साथ, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं एक एक कंपाउंड लेके आप लोगों को बता सकूँ, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज कॉपर सल्फेट। कॉपर का सिंबल होता है Cu, कॉपर का सिंबल होता है Cu, और सल्फेट होता है SO4। तो जब ये मिल जाते हैं साथ में कॉपर सल्फेट, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट, ओके। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो H2SO4 होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसलिए आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक जो होता है वो NO3 होता है, लेकिन इसके साथ एसिड भी आ गया, सो दैट्स व्हाई ये HNO3 हो गया। क्या हो गया, HNO3। सो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है HNO3। मूव ऑन टू नेक्स्ट एंड लास्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का सिंबल आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, सोडियम क्लोराइड में Na होता है, और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का जो होता है वो OH होता है। हाइड्रोक्साइड होता है OH, क्या होता है OH। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला बन गया, NaOH। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, कॉपर सल्फेट इज CuSO4, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, नाइट्रिक एसिड इज HNO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। मैंने ज़्यादातर ऐसे ही कंपाउंड्स लिए जो आप लोगों को साइंस में मेनली हर रिएक्शन पे यूज़ करने को मिलेंगे। सो दैट्स ये कॉमन है फॉर्मूलेस, आप लोग एक बार लिख के देखेंगे आप लोगों को लर्न हो जाएंगे। ऐसे ही एक और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और भी कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगी जिसका फॉर्मूला आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग। बाकी अगर आप लोगों को और भी वीडियोज़ देखने, आप लोग मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।